तो हेलो दोस्तों, जैसे कि मैं आजकल देख रहा हूँ कि जो व्हाट्सएप पे फ्रॉड है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर मैं वीडियो बनाना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा कि व्हाट्सएप स्कैम कैसे हो रहा है, उससे कैसे बचा जाए, अगर आपके साथ अगर हो गया है तो उससे मतलब उसको मतलब कैसे हम उससे बचें, उस स्कैम से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि व्हाट्सएप का यूज आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जब से ये पैंडमिक आया है सारा वर्क लगभग व्हाट्सएप से ही हो रहा है। तो इससे जितने जितने भी मतलब वो ठग वाले जो होते हैं, जो मतलब लूटना चाहते हैं लोगों को, वो व्हाट्सएप पे नया एक मतलब स्कैम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें लोगों को मतलब रैंडमली वीडियो कॉल किया जाता है। वीडियो में गलत चीजें दिखाई जाती है और उसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है आपको कि आप वो गलत चीज देख रहे थे, और वही स्क्रीनशॉट आपको फिर से वो भेजते हैं और फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं कि मतलब आप मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं ये पूरा मतलब आपको जितने भी आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं, सबको भेज दूंगा। तो दोस्तों ये था पूरा स्कैम, ये हो रहा था हमारे साथ स्कैम। तो इस स्कैम से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप रैंडमली कॉल किसी का उठाएं ना व्हाट्सएप पे, पहले आप उससे चैट कर लें कि हाँ आप कौन हो, कहाँ से हो, कौन, अगर आप उनसे जानते हो तभी आप रैंडमली कॉल करो, नहीं तो मत करो। उसके बाद फिर आप एक और चीज कर सकते हो, उस नंबर को आप पहले ट्रेस कर सकते हो ट्रू कॉलर पे। ट्रू कॉलर पे आपको पता चल जाएगा ये कौन है। उसके बाद फिर आप मतलब ट्रू कॉलर वही तो मतलब उतना मैं आपको नहीं कहूंगा कि सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रू कॉलर पे जाएं, लेकिन आप उससे बात कर सकते हैं कि अगर आप उसे जानते हो तभी वीडियो कॉल करो। और वीडियो कॉल भी करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट उसे कॉल करो, बात करो, क्या परेशानी क्या नहीं है। अगर आप सेटिस्फाई हो जाते हो कि हाँ ये मतलब मेरे जानने वाला है कोई, तो आप उससे बात कर सकते हो। तो ये तो हो गया कि हम मतलब कैसे मतलब अगर आपके पास वो कॉल आ रहा है तो हम कैसे बच सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि आपके पास ये कॉल आएगा ही नहीं, जब आप उस क्या करें कि आप मतलब कि ये कॉल आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे ही नहीं आएगा, ये कॉल आपको मैसेंजर इंस्टाग्राम पे भी आ सकता है। तो इससे बचने के लिए आप किसी अननोन बंदे को एक्सेप्ट मत करें, फॉलो मतलब अगर फॉलो करे मतलब कुछ भी करे तो आप एक्सेप्ट ना करें, डिलीट कर दें उसे। अगर आप बात करें हम उस पे फेसबुक पे, तो फेसबुक पे अननोन बंदे को आप फ्रेंड बनाए ही नहीं। अगर आप अननोन बंदे को फ्रेंड बनाते हैं तो आप खुद पैर पे कुल्हाड़ी या कुल्हाड़ी पे पैर मार रहे हो। अब हम बात करते हैं कि हम अगर आपके पास ये स्कैम हो जाए तो कैसे बचें। तो अगर आप बच्चे हो, अगर आप मतलब हमारे एज के हो, तो आप सीधे अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं। अगर आप मतलब कोई बड़े लोग हो, मतलब 30 अबव या 25 अबव, तो आप सीधे सीधे आप पुलिस कंप्लेन कर सकते हो कि इस नंबर से मुझे कॉल आया, ऐसे ऐसे मुझे धमकियां मिल रही हैं। तो वो साइबर सेल वो पूरी जिम्मेदारी ले लेगी और आप उससे बच सकते हो, नहीं तो आप बहुत बुरा फंसोगे। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट पुलिस के पास जाओ, पुलिस एक्शन लेगी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पूरा वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा।